हाय गाइस, तो आज हम करेंगे मशहूर जैव भिखारी का इंटरव्यू। जी तो पहला सवाल, आप काम क्या करते हैं? मैं रात 9 बजे के बाद अंडे देता हूँ। आए कर रहा है यार, हाथ में कटोरा तो भीख ही मांग रहे होंगे मैं। अजय मतलब क्यों मांगते हैं भी? डॉक्टर ने बताइए, कह रहा है 3 टाइम मांगोगे तो तुम्हारा खून बढ़ेगा। अजय मेरा मतलब है कोई मजबूरी है? और ना तो ये कटोरा मुझे सरकार ने दिया यार, कहीं लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है तो तू तोड़ दे। तो सर नहीं देखे जा रहा है मेरे हाथ पैर, तो तू तोड़। अरे हाथ पैर ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहा। और तू मेरे घर पैसे देना आ रहा है? ये कटोरा मैं चौराहे टू चौराहे लेके फिर रहा हूँ, ये काम नहीं है तो क्या है? अच्छा इन बातों को छोड़ो, बीबी है तुम्हारी? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। बहुत बदतमीज है। बच्चे कितने? 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे? 9 बच्चे तेरे चुराए मैंने ऐसे कर लिया? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे होते होंगे भैया, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। दे तो जाए, 1 घंटे तो मेरा दिमाग खा रहे। मैं आज ही मायके आई हूँ और ये किसी की शादी में गए हैं। कार्ड पे लिखा था कि लाल टाई पहन के आना है, अब वहां से फोन कर रहे कि बाकी सब तो पैंट शर्ट भी पहन के आए हैं। ऐसी जिंदगी है मेरी, 2 दिन के लिए मायके भी नहीं आ सकती मैं। कौआ उड़, कौआ उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, चड्डी उड़, उड़ा दिया, फंस गया। चड्डी उड़ता है रे? नहीं उड़ता चड्डी, कहीं उड़ेगा? छत्ता पे पसार देंगे, आंधी आएगा तो नहीं उड़ जाएगा। बात सही है, बेमानी कर रही। बेमानी थोड़ी कर रही, सही तो बोल। चल ठीक है, चील उड़, चील उड़, बाज उड़, बाज उड़, ट्रांसफार्मर उड़। अब तो फंस गया तू पक्का। अब ट्रांसफार्मर कब उड़ता है? नहीं देखा ट्रांसफार्मर उड़ते? नहीं सुना गांव में 1 हफ्ता तक लाइन कटा ले ट्रांसफार्मर उड़ गया। गजब लेंगे, बेमानी करता यार, हद कर दिया। अबर किया ना, मार देंगे उल्टा हाथ। तोता उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़। अब बोल, आप तो पक्का फंस गया, भैंस कैसे उड़ेगा भाई? अच्छा अब मान के चला एरोप्लेन से हम कहीं जा रहे, ठीक ठीक। अब भैंसवा को एरोप्लेन में चढ़ा देंगे तो नहीं उड़ेगा वो? अरे साला ते मत खेल, मत खेल। भगवान बुद्ध तो चले गए थे बीवी बच्चों को छोड़कर सन्यासी बनने के लिए, है ना? ज्ञान की प्राप्ति तो तभी होती है जब आदमी त्याग करता है, छोड़ना पड़ता है, तभी मिलती हैं चीजें भाई। तो मतलब तुम भी ऐसा कर सकते हो? तुम तो हो ही वैसे भी मन चले, कोई काम ठीक से होता थोड़ी ना है तुमसे। ऐसी कोई चुल तो नहीं है मुझ में अभी। वैसे फ्यूचर का भाई क्या ही कह सकते हैं। फ्यूचर का क्या मतलब है? ये चुल ना लेकर भी मत आ जाना अभी। अभी अभी का मतलब क्या है? जब तक लोन नहीं उतर जाता ना फ्लैट का, तब तक। वैसे भी ना तुमने लोन में को एप्लीकेंट बना के मुझे इतनी बड़ी टेंशन दे दी है। लोग अपनी बीवी को गिफ्ट में देते हैं फ्लैट, और तुमने मुझे दे दिया है कर्जा। कहाँ वो फॉर्मेलिटी है यार, छोटी मोटी चीजें, कहाँ उनमें इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैं कर रहा हूँ ना, सब कुछ दे रहा हूँ ना, और ये टेंशन लेनी ना 45 दिन बाद शुरू करना तुम। 45 दिन बाद मतलब? 45 दिन मतलब रिजाइन दे दिया था ना मैंने लास्ट वीक, तो नोटिस पीरियड पे हूँ और अगले महीने तो सैलरी नहीं आएगी, तो कुछ महीने EMIs तुम्हें मैनेज करनी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे इस आदमी के साथ। अरे रो मत यार, ये लो तुम इन पे साइन करो, ये पेपर्स हैं। ये क्या है? घर थोड़े ना बैठूंगा खाली, जॉब छोड़ दिए तो। अब नए बिजनेस के लिए लोन लेना है तो उसमें भी तुम्हें को एप्लीकेंट बनाया हुआ है मैंने।